रिंकू सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू क्या किया, पूरे क्रिकेट जगत को ही अपने कदमों में झुका दिया। शानदार बल्लेबाजी आयरलैंड दौरे पर उनकी देखने को मिली, तो वही सीरीज जीतने के बाद उन्हें जिस तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसके बाद अब डी विलियर्स का बड़ा बयान सामने आया है। डी विलियर्स ने रिंकू सिंह के लिए कुछ ऐसा कहा जो शायद आपको भी दिल जीत लेगा, तो चलिए बताते हैं। लेकिन अगर आप भी रिंकू को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दरअसल भारत और आयरलैंड के बीच सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला बारिश के चलते शुरू ही नहीं हो सका। काफी देर इंतजार किया गया, लेकिन अंत में मैनेजमेंट ने इस मुकाबले को ड्रॉ करार दे दिया। लेकिन आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया, तो उन्होंने भी रिंकू सिंह के प्रदर्शन को देखते हुए अपना अवार्ड रिंकू को दिया, क्योंकि उनके बल्लेबाजी इस श्रृंखला में काफी खतरनाक रही थी। भारतीय टीम 2-0 से इस सीरीज को जीत गई, लेकिन जीत का असली हीरो हर कोई रिंकू सिंह को ही मान रहा है। लेकिन इस बीच अब डी विलियर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा, कुछ खिलाड़ियों में अलग ही टैलेंट होता है और उनमें से एक मैं मानता हूँ रिंकू सिंह को। वाकई में इस योग खिलाड़ी में कुछ अलग ही बात है। असल महीने में कहूँ तो यह मुझे धोनी की तरह दिखाई देते हैं। धोनी भी अंत में मैच को फिनिश करने की जो काबिलियत रखते थे, वह शायद भारत में दूसरा कोई खिलाड़ी राखी नहीं पाया। डी विलियर्स ने कहा, असल मायने में आयरलैंड दौरे पर मैं तो रिंकू सिंह की बल्लेबाजी का मुरीद इसलिए हो गया क्योंकि दूसरा मुकाबला रिंकू के शानदार बल्लेबाजी के चलते ही भारतीय टीम जीत पाई। उन्होंने अंत में इतनी धाकड़ बल्लेबाजी करी, वरना अगर उसे जगह पर मैच अच्छी तरह से फिनिश रिंकू नहीं करते तो शायद आयरलैंड की टीम वहां मुकाबला जीत कर 1-1 से सीरीज को बराबर कर लेती। लेकिन यह रिंकू सिंह ही है जिसकी वजह से भारतीय टीम आयरलैंड से इस सीरीज को जीती। धोनी की तरह छक्के लगाने की काबिलियत इस बल्लेबाज को दूसरों से अलग बनाती है। मुझे लगता है यह भारत के लिए धोनी की तरह काम करने वाले हैं। भविष्य में ऐसे बल्लेबाज को मेरा सलाम। इस तरह से एबी डी विलियर्स ने रिंकू सिंह की तारीफ में खरीदे पड़ते हुए अपनी बात कही। लेकिन आप सभी रिंकू की धाकड़ बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए।